नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका स्वागत, अभिनंदन मेरे इस कार्यक्रम, मेरे इस चैनल खेल ग्रहों का। मैं आज हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन की, और आज तक आपने ऐसा कोई प्रयोग नहीं सुना होगा जो आपके लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके पति के लिए हो और आपके घर की सुरक्षा के लिए हो। और आपके जो ऊपर दशा चल रही है, ग्रह नक्षत्र चल रहा है, उसकी रक्षा के लिए भी मैं उपाय बतलाने जा रहा हूँ। तो रक्षाबंधन सिर्फ और सिर्फ भाई बहन का त्यौहार नहीं है, ये देवी देवता भी रक्षाबंधन का यूज़ करते थे, वो भी पर्व बनाते थे, उसके बारे में बतलाने जा रहा हूँ। तो शायद आप पहली बार यह कुछ विशेष सुनने जा रहे हैं। भाई बहनों के इस अटूट प्रेम संबंधों का पर्व है रक्षाबंधन, जो एक बार फिर आ रहा है। यह स्नेह का वह अमूल्य बंधन है जिसका बदला धन से, रुपए पैसे से नहीं चुकाया जा सकता। महाभारत के अनुसार द्रौपदी भगवान कृष्ण को भाई कहती थी। एक बार श्री कृष्ण भगवान की उंगली कट गई। द्रौपदी ने अपनी साड़ी, अपना पल्लू को फाड़ करके श्री कृष्ण की उंगली पर पट्टी बांध दी। जब चीरहरण हुआ, उस समय श्री कृष्ण भगवान ने उसकी लाज रखी और जीवन भर उसकी सहायता की। इतिहास साक्षी है कि भाई बहन के पवित्र रिश्तों का यह त्यौहार आज से नहीं वरन सदियों से मनाया जा रहा है, और आज भी मनाया जा रहा है और आगे भी मनाया जाता रहेगा। चित्तौड़ की महारानी कर्मवती ने दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को अपना भाई मान करके राखी भेजी थी। हुमायूं ने कर्मवती की राखी स्वीकार कर उसके सम्मान की रक्षा के लिए गुजरात के बादशाह से युद्ध किया। भाई बहन का यह हार्दिक और पवित्र प्रेम और भावना ही इस त्यौहार का आधार है, इस त्यौहार की पृष्ठभूमि है। हम बात करें ज्योतिष के अनुसार रक्षाबंधन की। भद्राया द्वेन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपंती हंती ग्राम दहती फाल्गुनी, अर्थात श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इसमें परवान व्यापिनी तिथि ली जाती है, और यदि वह दो दिन हो या दो ही दिन न हो तो पूर्वा तिथि लेनी चाहिए। यदि उस दिन भद्रा हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए। भद्रा में श्रावणी और फाल्गुनी दोनों वर्जित है, क्योंकि श्रावणी से राजा का और फाल्गुनी से प्रजा का अनिष्ट होता है। यह ज्योतिष अनुसार विधान है। इस वर्ष रक्षाबंधन 15 अगस्त को आने वाला है, और 15 अगस्त को रक्षाबंधन मनाने का शुभ मुहूर्त दोपहर में है। दोपहर को 1:43 से शाम को 4 बजे तक रक्षाबंधन का मुहूर्त रहेगा, राखी बांधने का मुहूर्त रहेगा। पूर्णिमा तिथि 14 अगस्त की दोपहर 3:45 से अगले दिन 15 अगस्त की शाम को 5:58 तक रहेगी। अर्थात पूर्णिमा तिथि भी हो और उस दिन राखी बंधवाने का समय हो, ये दोनों मैंने आपको बतलाया है। अब राखी बांधते समय क्या करना चाहिए, क्या पूजा विधि होनी चाहिए। एक सामान्य सा एक स्थिति है, सामान्य सा एक प्रोसीजर है कि भाई आती है, ठीक है, थाली लेती है, वो तिलक करती है, राखी बांध देती है और जो कुछ भी दान दक्षिणा देनी होती है वो दे देते हैं। लेकिन इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या विधि विधान है। तो राखी के दिन बहनों को सबसे पहले राखी की थाली सजानी चाहिए। इस थाली में रोली, अक्षत, कुमकुम, दीपक और राखी, यह सब रखना है। इसके बाद में सबसे पहले भाई की आरती उतारें और उसके माथे पर ललाट पर कुमकुम का तिलक लगाएं। इसके बाद उसके दाहिने हाथ में राखी बांधनी है। राखी बांधते समय यदि इस मंत्र का उच्चारण कर सकें तो बहुत ही ज़्यादा शुभ है। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामनु बदनामी रक्षे माचल माचल। राखी बांधने के बाद में फिर भाई की आरती उतारे और गुड़ तथा कोई मिठाई अपने भाई को खिलाए। भाई अगर आपसे बड़ा है तो उसके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें, और वहीं अगर बहन बड़ी हो तो भाई को चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए। राखी बांधने के बाद में भाइयों को अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार बहन को भेंट और उपहार देना चाहिए। आइए अब बात करते हैं वास्तु रक्षा सूत्र की। क्या है वास्तु रक्षा सूत्र? भारतीय परंपराओं के अनुसार इस दिन परिवार के पुरोहित 5 रंगों के धागों को मंत्र उच्चारण से पवित्र करते हैं, फिर घर के सदस्यों की कलाइयों पर तथा घर के मुख्य द्वार पर रक्षा सूत्र के रूप में बांधते हैं। मंत्रों की शक्ति से प्राप्त लिप्त ये धागे ब्रह्मांड में व्याप्त दिव्य शक्ति के प्रति प्रेम और श्रद्धा का उद्घोष तो करते ही हैं, साथ ही मुसीबत के समय ईश्वरीय सहायता को भी आकर्षित करते हैं।
वास्तु शांति के समय भी रक्षा सूत्र भवन के चारों तरफ पंच ताराओं के रंगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, उनका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बांधे जाते हैं। लाल रंग मंगल ग्रह का प्रतीक है, पीला रंग बृहस्पति ग्रह का प्रतीक है, हरा रंग बुध ग्रह का प्रतीक है, सफेद रंग शुक्र ग्रह और चंद्रमा ग्रह इसका प्रतीक है, काला और नीला रंग शनि ग्रह का प्रतीक है। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर बंधा यह रक्षा सूत्र आपके घर को दुर्भाग्य तथा हर प्रकार के प्रकोपों से बचाता है। शायद इसी वजह से इस त्यौहार को हर बुराई से बचाने वाला पर्व भी कहा जाता है। अंधकार से घिरे इस कलयुग में हम सभी को रक्षाबंधन की बहुत आवश्यकता है, बहुत परम आवश्यकता है। रक्षा सूत्र बांधने का विधान क्या है? तो सबसे पहले विधान जान लीजिए तो आपको इस रक्षा सूत्र बांधने से पूर्ण सुख, पूर्ण लाभ भी मिलने की संभावना 100% हो जाएगी। इस दिन प्रातःकाल की अमृत वेला में, अमृत वेला का मतलब ब्रह्म मुहूर्त होता है, जब सूर्य उदय होता है उससे पहले उठने को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला में आप उठना बोला जाता है। तो इस समय काल में अमृत वेला में स्नान करना है और सूर्य को जल चढ़ाना है। सूर्य को जल चढ़ाने के बारे में सुन लीजिए कि सूर्य को जल आप तभी तक चढ़ा सकते हैं जब तक आप सूर्य को देख सकते हैं। यदि सूर्य को देख ही नहीं पाएंगे तो सूर्य को अर्घ कैसे देंगे? अतः सिर्फ आप एज्यूम कर लीजिए सूर्य उस तरफ होगा और आप उनके लिए जल डाल दें, उसको सूर्य को अर्घ देना नहीं कह सकते। आपकी आँखें, सूर्य और उसके बीच में से जल आपका बहना चाहिए, अतः जल गिरना चाहिए, उसको सूर्य का अर्घ देना बोलते हैं। और सूर्य जब सिंदूरी होता है, जिस समय आप सूर्य को देख सकते हैं उस समय सूर्य को अर्घ देना चाहिए। तो सूर्य को आपने जल चढ़ाना है, अर्घ्य देना है, इसके बाद में शिव की आराधना करनी है, उसके पश्चात शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और अब 5 रंग का यह धागा लेना है, उस धागे को गंगा जल, चंदन, हल्दी और केसर से पवित्र करना है अर्थात उसको चढ़ाने हैं। अब गायत्री मंत्र का जाप करते हुए अपने घर के मुख्य द्वार पर इसे बांध देना है। घर के मुख्य द्वार पर बंधा यह धागा आपके घर को हर बुरी नज़र से बचाएगा और घर के वातावरण को पंच महाभूत अर्थात जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और अग्नि से संतुलित रखेगा। आप भी इस रक्षाबंधन पर यह प्रयोग करके अपने घर को सुरक्षित करें, अपने घर के वातावरण को सुरक्षित करें, अपने वातावरण को शुभता में लाएं। आइए अब बात करते हैं विशेष रूप से रक्षाबंधन पर पति रक्षा सूत्र प्रयोग। हर बहन अपने भाई की रक्षा के लिए या हर भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए प्रयत्नशील होता है, लेकिन हर पत्नी भी अपने पति की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान कर लेती है। वो बिना कुछ आगे पीछे सोचे हुए कूद पड़ती है संकट में अपने पति की रक्षा के लिए। तो यह है क्या पति रक्षा सूत्र प्रयोग, इसके बारे में पहले जान लीजिए। तो देवलोक में सबसे पहली बार रक्षा के धागों को पत्नी अर्थात इंद्राणी ने, इंद्र की पत्नी इंद्राणी द्वारा अपने पति इंद्र को बांधा गया था, वहां से यह रक्षाबंधन स्टार्ट हुआ है। तब हुआ यह था कि प्राचीन काल में एक बार देवों और असुरों में 12 वर्षों तक भीषण युद्ध हुआ। ऋग्वेद में इस युद्ध के बारे में विशेष उल्लेख है। इसी युद्ध को वैदिक इतिहास में देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। इस संग्राम के प्रारंभिक चरण में देवराज इंद्र की पराजय हुई, देवता कांतिहीन हो गए, इंद्र भी रणभूमि से भाग खड़े हुए और अमरावती नामक तीर्थ में जा छिपे। अपनी पराजय से चिंतित और दानवों के बढ़ते प्रभाव से भयभीत होकर के इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति से परामर्श किया। देवगुरु बृहस्पति ने श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षा विधान करने के लिए कहा। इसके लिए उन्होंने इंद्र की धर्मपत्नी इंद्राणी को इस विधान की जानकारी दी और मंत्र भी बतलाया। देवगुरु बृहस्पति के निर्देशानुसार श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाली रक्षा विधान को विधिवत संपन्न किया और देव पुरोहितों द्वारा की जा रही स्वस्ति वाचन के बीच में देवताओं के राजा इंद्र थे, उनकी पत्नी ने इंद्र की दाई कलाई में रक्षा की उस पोटली को बांध दिया जिसे देवगुरु के सुझाए मंत्र से सामग्री से अभिमंत्रित किया गया था। इसी रक्षा के बूते इंद्र की दानवों से रक्षा हो पाई और उन्होंने उन पर अंततः विजय भी प्राप्त की। इस देवासुर संग्राम में देवताओं की ओर से युद्ध करने के लिए धरती से भी कई तेजस्वी राजा सम्राट गए थे। उन्होंने जब रक्षा मंत्र, रक्षा विधान, रक्षाबंधन की ऐसी महिमा देखी
तो सहज मानव स्वभाव से प्रेरित होकर के वे इस अनुष्ठान, इस विधि, इस विधान को धरती पर भी ले आए और यहाँ इसे रक्षाबंधन के रूप में प्रचलित किया गया। अब आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिरकार इस पोटली में क्या था या हम किन मंत्रों के माध्यम से पति की रक्षा कर पाएँ या पति के लिए रक्षा सूत्र को बना करके उनकी कलाई पर भी या उनकी बाजू पर भी बांध पाएँ। तो श्रावणी पूर्णिमा के दिन, रक्षाबंधन के दिन प्रातःकाल में स्नान आदि से निवृत्त होकर के आपने ईश्वरण का स्मरण करना है। जो भी आपके इष्ट देव है उनको अब याद करें। अब पूजा स्थान में किसी पात्र में, अर्थात कोई भी प्लेट ले लीजिए, पात्र में सरसों, स्वर्ण, केसर, चंदन, अक्षत और दूर्वा रखें। स्वर्ण का मतलब यहाँ स्वर्ण का सिक्का या एक तोले का कोई भी सामग्री नहीं रखना है। छोटा सा तुस होता है सोने का, वो भी रख सकते हैं। और यदि कोई और आपके पास में कोई अंगूठी है या कोई काम नहीं आने वाला कोई ऑर्नामेंट्स है उसको भी उसके साथ बांध सकते हैं। ठीक, हर हालत में रहना तो ये आपके पास में ही है। इसके साथ ही ऊनी, सूती या रेशमी कोई भी वस्त्र हो सकता है, लेकिन वस्त्र का रंग पीला है। ऊनी वस्त्र हो सकता है, सूती हो सकता है, रेशमी हो सकता है, पीला वस्त्र आपने लेना है। और अब जितने भी घर के पुरुष सदस्य हैं उनके लिए एक एक वस्त्र के चौकोर टुकड़े काट दीजिए, चाहे रुमाल की स्टाइल में काट दीजिए या छोटा सा 6-6 इंच का टुकड़ा काट दीजिए जिसमें कि आप पोटली बना सकें। जितने भी घर के सदस्य हैं उतने आप चौकोर टुकड़े काट करके उन हर टुकड़े में कुछ दाने सरसों के, स्वर्ण का तुस, केसर, चंदन, अक्षत और दूर्वा डाल करके या तो गांठ बांध लें और या उन्हें सी लें। दूर्वा का अर्थ यहाँ पे जो हरी घास होती है आपके घर के ठीक आंगन में, बंगलों में जो भी दूब लगाई जाती है उसे दूर्वा कहा जाता है। अब उन सभी पोटलियों को आपने वापस पूजा स्थान पर स्थापित कर देना, उस प्लेट में रख देना है। उसके बाद एक ताम्र कलश में जल भर के रखना है। अब उस पर कटोरी स्थापित करके कुमकुम, अक्षत, पुष्प आदि से यथाविधि पूजन करना है, धूप दीप करना है। अब जब भी आपकी बहन या आपकी ननंद राखी बांधने आए तब उनसे अपने पति की कलाई पर, या आपकी बहन आती है तो आप जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं जेंट्स हैं आप उनसे अपनी कलाई पर यह बंधवा लें। यह जो उपाय है यह जेंट्स के लिए है। जो शादीशुदा मर्द हैं, जो मैरिड पर्सनस हैं, वो अपनी पत्नी द्वारा ये जो कर्मकांड किया जाएगा ठीक, यह जो विधि विधान किया जाएगा, यह जो पूजा की जाएगी यह आपकी रक्षा के लिए है, इसे आपने अपने हाथ में बंधवाना है। तो आपकी बहन आती है उनसे या ब्राह्मण देव से दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बंधवाना है। रक्षा सूत्र बंधवाते समय इस मंत्र का उच्चारण करेंगे वो, या आपकी बहन उच्चारण करेगी या जो ब्राह्मण देवता आएंगे वो यह उच्चारण करेंगे। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामनु बदनामी रक्षे मा चल मा चल। बहुत छोटा सा मंत्र है जो आप एक पेपर पे लिख भी सकते हैं ठीक, चाहे उसका प्रिंटआउट निकलवा सकते हैं। अब पुरुष चाहें तो इस रक्षा सूत्र को सदैव के लिए कलाई में बांधें या अपनी बाजू पर बांध लें और या फिर अपने पर्स में रख सकते हैं। अगले वर्ष पुनः जब रक्षाबंधन का पर्व आएगा इस प्रयोग को दोहरा सकते हैं। पुराने रक्षा सूत्र को नदी, तालाब या जल में विसर्जित कर सकते हैं। इस प्रकार आप भी ये उपाय करके अपनी पति की रक्षा के लिए, अपने पति के उज्जवल भविष्य के लिए, शुभता के लिए, लाभ के लिए या स्वास्थ्य के लिए यह प्रयोग कर सकती है। आइए अब बात करते हैं ग्रह दोष निवारण रक्षा सूत्र। ये भी आप शायद पहली बार सुनेंगे। व्यक्ति जब उत्पन्न होता है तो किसी न किसी दशा में उत्पन्न होता है। जो भी आज के समय में जनसंख्या है वो भी किसी न किसी ग्रह से संबंधित है, अर्थात कोई न कोई राशि, कोई न कोई नक्षत्र में ही वो जन्म लिए होंगे, इसलिए उनके ऊपर भी ग्रहों का उतना ही प्रभाव है जितना कि एक बहुत बड़े व्यक्ति का, या एक उम्रदराज व्यक्ति का, या एक छोटा सा बच्चा हो, चाहे वो 5 महीने का बच्चा हो, 1 महीने का बच्चा हो, या 80 वर्ष का कोई वृद्ध हो। हर व्यक्ति पर ग्रहों का संबंध है, हर व्यक्ति पर ग्रहों का प्रभाव है। तो ज्योतिष और रक्षाबंधन, तो भारतीय महीनों का नामकरण 12 नक्षत्रों के आधार पर ही किया गया है। पूर्णिमा को जिस मास में श्रवण नक्षत्र होता है वही माँ श्रावण माह कहलाता है। ज्योतिष शास्त्र में श्रावण का नामकरण श्रवण नक्षत्र के कारण हुआ तथा श्रवण नक्षत्र का नामकरण श्रवण कुमार नामक प्रसिद्ध मातृपित्र भक्त के कारण हुआ। शास्त्रीय और खगोलीय स्थिति के अनुसार श्रवण नक्षत्र में 3 तारे होते हैं और वे 3 चरण वामन भगवान के 3 कदम के प्रतीक चिन्ह हैं।
श्रावण मास में सूर्य प्राय कर्क राशि में रहता है और कर्क राशि भी जलचर राशि है। प्राचीन समय की यक्षु नदी से सोना मिट्टी ला करके पोटली में बांध करके रक्षा सूत्र में बांधने से अदम्य साहस और आत्मबल की प्राप्ति हुआ करती थी। स्वर्ण में सोने में सौर ऊर्जा का अंतर्भाव बना रहता है। साथ ही नवग्रहों की औषधियाँ सरसों राई सोने का टुकड़ा कौड़ियाँ लोहे का टुकड़ा चावल लाख ये सभी क्रमशः बृहस्पति बुध सूर्य चंद्रमा शनि शुक्र मंगल का प्रतिनिधित्व करती है। अभिमंत्रित रक्षा पोटली में यदि ये वस्तुएं होती है तो आप प्रत्यक्ष अनुभूत कर सकते हैं, इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति की जा सकती है। जब विभिन्न प्रकार के ग्रह अनिष्टकारी दिखाई दे रहे हो तब उन ग्रहों के प्रतिनिधि स्वरूप वृक्ष और पौधे के सर्वौषधि एवं नवग्रह औषधि से युक्त पोटली बना करके पूर्णिमा का दिन बांध देनी चाहिए। तो क्या औषधियाँ हो सकती है नवग्रह से संबंधित, तो आप नोट कर लीजिए, अच्छे ढंग से समझ लीजिए, सुन लीजिए। सूर्य के लिए सफ़ेद आँख, चंद्रमा के लिए पलाश, मंगल के लिए खदीर, बुध के लिए आंधी झाड़ा, गुरु के लिए पीपल, शुक्र के लिए गूलर, शनि के लिए खेजड़ी, राहु के लिए एरा और केतु के लिए कुशा की रक्षा पोटली में बांधनी चाहिए। जो ये सामग्री जिस ग्रह से संबंधित आपको समस्या है वो सामग्री लेकर आप पोटली में बांध सकते हैं और जो श्रावणी पूर्णिमा है उस दिन अपने हाथ में कलाई में बंधवा सकते हैं। जब ग्रह अनिष्टकारी फल दे रहे हो, आर्थिक मानसिक और शारीरिक या अन्य किसी प्रकार की हानि हो रही हो, नीच ग्रह शत्रु क्षेत्रीय ग्रह अस्त ग्रह या हीन बली ग्रह होने के कारण अपनी दशा माँ दशा या अंत दशा प्रत्यंत दशा के समय विपरीत फल दे रहे हों तो इनके रक्षा सूत्र उपरोक्त पेड़ पौधों के बांधने से भी अनिष्ट ग्रह रक्षक के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। रक्षा सूत्र ग्रह औषधियों से युक्त होने पर एक शक्ति पुंज हो जाता है और उसे चंद्र तत्व प्रदान स्त्री चाहे वह बहन हो या अन्य यदि आत्म स्वरूप व्यक्ति के सूत्र बंधन कर देती है तो एक माँ का अमोघ आशीर्वाद मिल जाता है। इसलिए दाहिने हाथ को धर्म प्रदान और कर्म प्रदान होने के कारण मंगल और गुरु का आश्रय स्थल माना गया है। उस पर सूर्य चंद्र की मैत्रीपूर्ण और संभावनात्मक बंधन पार्थिव पितर और देव शरीर की रक्षा करने में पूर्ण समर्थ हो जाता है। रक्षा सूत्र पुरुष के दाहिने हाथ में मींस राइट हैंड में और स्त्री के वाम हाथ में मींस लेफ्ट हैंड में अवश्य बना रहना चाहिए। तो ये थी रक्षाबंधन की महिमा कि रक्षाबंधन सिर्फ और सिर्फ एक आम त्यौहार नहीं है, छुट्टी का दिन नहीं है। उस दिन आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने ग्रह दोष निवारण के लिए और अपनी आध्यात्मिक शांति के लिए। उस दिन पूजा पाठ जरूर करें। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमारा परिश्रम आपको कितना पसंद आया, हमारा एफर्ट आपको कितना पसंद आया, ताकि हम ये एफर्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जो दर्शक हैं उनकी ज़िंदगी में अच्छा हो, उनकी ज़िंदगी में उजियारा हो, उनकी ज़िंदगी में पॉजिटिवनेस आए, उनकी ज़िंदगी में शुभ और लाभ की वर्षा हो। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जो भी उचित हो वह जरूर लिखने का प्रयास करें और आप भविष्य में किस टाइप के या किस विषय के किस सब्जेक्ट पर प्रोग्राम चाहते हैं, आपकी क्या समस्याएं जीवन में उनके बारे में लिखिए ताकि हम एफर्ट करके वो प्रोग्राम आपके सामने ला सकें जिससे हमारा उद्देश्य भी सफल हो जाए। अर्थात हमारा जो एफर्ट है कि आप लोगों की भलाई करना और आपका एफर्ट हो जाता है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास को यूज करना, उस प्रयास को अपने काम में लाना। आप सभी को जीवन में हर कार्य में सफलता मिले ऐसी शुभकामनाओं के साथ में स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने घर में अपने बच्चों का और आपके घर में जो बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखें, केयर करें और इस समाज की भलाई के लिए क्या कर सकते हैं वो प्रयास जरूर करें। नमस्कार।